हे देवर सो गाइस दिस इज ऑरेकल और आज हम लोग दोबारा आ चुके हैं सोलो लेवलिंग एराइज से रिलेटेड एक और नई अपडेट वीडियो में। और गाइस आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एराइज के एक नए कैरेक्टर के बारे में जो कि बहुत जल्दी गेम में ऐड होने वाला है, और इसी के साथ सन जिनवू के कुछ फेवरेट आइटम्स के बारे में जो कि बहुत जल्दी गेम में ऐड होने वाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट कि इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोलो लेवलिंग से रिलेटेड बता दी है, तो जितने लोगों ने भी सोलो लेवलिंग नहीं देखी या फिर सोलो लेवलिंग की मांगा नहीं पड़ी है वो लोग अपने हिसाब से देख ले। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त दिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यू कैरेक्टर करके बात करें तो न्यू कैरेक्टर में एक न्यू फीमेल कैरेक्टर सोलो लेवलिंग एराइज में ऐड होने वाली है जो कि जीना, और इसका क्लास एक मेज है और ये फायर टाइप मेज रहने वाली है, और प्लस ये एक ए रैंक मेज हंटर रहने वाली है। और इसमें दो टाइप्स की पावर्स है, पहला तो टेलीकिनेटिक और दूसरा ग्रेविटिक फोर्स। और देन यहाँ पे इसके अटैक्स की बात करें तो इसका बेसिक अटैक है फायर स्टॉर्म जिसमें फायर के बॉल्स थ्रो करने वाली है, और फिर इसका कोर अटैक की बात करें तो वो है फोर्स डिसेंट, तो इसमें एक सर्कल में फायर का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाली है। और उसके अलावा इसके स्किल्स की बात करें तो सबसे पहले तो इसका ग्रेविटी मार्स वाला स्किल है जिसमें वो एक फायर के शील्ड के थ्रू अटैक करती है, और सेकेंड इसका स्किल है पार्थ ऑफ एक्सटेंशन तो इसमें ये रिंग्स के थ्रू फायर चार्ज करने वाली है। और सपोर्ट स्किल की बात करें तो वो है कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेविटी जिसमें ये एनिमीज के इर्द गिर्द एक स्फेरिकल ऑर्ब बना देगी जिसमें एनिमीज अपने अटैक्स को यूज ना कर पाए, और प्लस वहाँ पे ग्रेविटी का थोड़ा डैमेज भी उन लोग को पड़ता रहेगा, तो इस टाइप का अपना ये वाला कैरेक्टर रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो इस जीना कैरेक्टर का यहाँ पे एक स्टोरी लाइन भी दिया गया है कि इसके बैक स्टोरी में इसके टीममेट्स थे जो कि इसको बिट्रे कर दिए या फिर इसके सामने मर गए, उसके बाद से ये थोड़ा सा मतलब एक एटीट्यूड टाइप का इसका हो गया है कि मतलब लोगों के साथ जा टीम अप करके नहीं रहना, प्लस उनके मरने से इसको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस टाइप का कुछ यहाँ पे एक स्टोरी लाइन में दिया हुआ है वो आप लोग बैकग्राउंड में कंटिन्यूस देख सकते हो। नेक्स्ट अभी बात करें कि सोलो लेवलिंग एराइज में सन जिनवू के कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई है, तो सबसे पहले तो अपने शैडो मोनार्क सन जिनवू का वन ऑफ द बेस्ट शैडो बीरू द एंट किंग अपने सोलो लेवलिंग एराइज में आने वाला है। अब जितने लोगों ने भी मांगा नहीं पड़ी होगी उन लोग को इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा, पर जितने पढ़ रखी है उन लोग को पता है कि बीरू कितना स्ट्रॉन्ग और कूल कैरेक्टर है अपने सन जिनवू के लिए और कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे एनिमे के अंदर। अब वही बात करें तो ये एक बहुत अच्छा शैडो है जिसको सन जिनवू बहुत टाइम्स पे यूज़ करता है, और स्ट्रेंथ की बात करें तो खुद में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और प्लस बीरू की बात कर रहे हैं तो द एंड किंग बीरू अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब प्रूफ करने की कोशिश करता है सन जिनवू की तरफ, तो ये भी अभी सन जिनवू के कैरेक्टर के साथ ऐड होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे एक और चीज़ सन जिनवू की जो कि सोलो लेवलिंग एराइज में बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन आने वाला है, देखो डीमन किंग डैगर जो कि सन जिनवू का मेन वेपन है जो कि सन जिनवू बाद में यूज़ करता है, वो भी अब सोलो लेवलिंग एराइज में आने वाला है, तो ये वेपन भी बहुत जल्दी सोलो लेवलिंग एराइज में आने वाला है। और ये वेपन वैसे तो मांगा में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये सन जिनवू के अटैक्स को 1500 एक्स्ट्रा डैमेज देने में हेल्प करता है, और प्लस अगर बात करें तो ये एक टाइप का एस रैंक वेपन है, प्लस बात करें तो ये वेपन बहुत ज़्यादा डैमेज करने में भी हेल्प करता है। तो अब ये वाली आइटम भी अपने गेम में आने वाली है, तो आप लोग बताओ आप लोग में से कितने लोगों ने सोलो लेवलिंग का मांगा पढ़ रखा है। और अपडेट्स की बात करें तो बस यही तक थी आज की अपडेट। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।